हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का अजंता क्रिएशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार और सहयोग दिया। हमें आगे भी यही आशा है कि आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल जी का झूला, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। झूला बनाने के लिए दो रंग की कॉर्ड्स लेंगे, इंची टेप लेंगे, लाइटर, कैंची और रिंग लेंगे। एक स्क्वायर रिंग लेंगे 5 इंची का, एक गोल रिंग लेंगे 6 इंची का, दो गोल रिंग लेंगे 10-10 इंची के और एक स्क्वायर रिंग लेंगे 10 इंची का। आइए शुरू करते हैं झूला बनाना। सबसे पहले 5 इंची का चकोर रिंग लेंगे और उसमें 1.5 मीटर की डोरियों को लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए जोड़ेंगे। डेढ़ मीटर वाली सभी डोरियां जोड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लेंगे। हमने इसमें 5 डोरियां पीले रंग की और 4 डोरियां नीले रंग की ली हैं और इसमें डोरियों को केवल 3 तरफ ही जोड़ेंगे, एक तरफ खाली छोड़ देंगे। देखिए, सभी डोरियां जुड़ गई हैं। अब इसमें 4-4 डोरियों के जोड़े लेते हुए स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट मैंने अपनी पिछली वीडियो में लगाना सिखाया है, जिसका लिंक ऊपर दिया है। एक लाइन पूरी होने के बाद दूसरी लाइन करने के लिए पहली 2 डोरियों को छोड़कर बाकी डोरियों में स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ करना है। दूसरी लाइन पूरी होने के बाद फिर से 2 डोरियां छोड़ेंगे और बाकी डोरियों में स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तीसरी लाइन पूरी होने के बाद फिर से 2 डोरियां छोड़ेंगे और चौथी लाइन के लिए 4-4 डोरी लेकर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह से 14 लाइनें कर लेंगे।
लाइनें पूरी होने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा। अब इसमें 6 इंच की गोल रिंग हिच नॉट लगाते हुए जोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए सभी डोरियां अटैच हो गई हैं। बची हुई डोरियों को काट देंगे। दोनों तरफ चार चार डोरियां रोककर बाकी की डोरियां कट करके लाइटर की मदद से चिपका लेंगे। मिडिल डोरी में यानी जो बीच वाली डोरी है उसमें मोती पिरोएंगे और चिपका देंगे। दोनों तरफ पहली डोरियों में मोती पिरोएंगे और चिपका देंगे। सभी डोरियां चिपक गई हैं। अब बची हुई चार डोरियों में स्क्वायर नॉट और लूप्स नॉट लगाते हुए डिजाइन बनाएंगे।
देखिए अब ये जो नीचे का हिस्सा है, अब हम इसमें डोरियां अटैच करेंगे। डेढ़ मीटर की 14 डोरियां जोड़कर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब डोरी लेंगे और जो हमने पहले से ही नॉट लगा रखी हैं, उन नॉट में से डोरी निकालेंगे। देखिए डोरी निकालने के लिए हम किसी भी नोकीली चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सभी डोरियों को जोड़ लेंगे, स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद देखिए हमारी सीट इस तरह से दिखेगी। देखिए नीचे बैठने की जगह बन गई है। बची हुई डोरियों को हाफ हिच नॉट लगाते हुए रिंग से अटैच करेंगे। देखिए सभी डोरियां जुड़ गई हैं। देखिए अब चार चार डोरियों के जोड़े लेंगे और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हाफ हिच नॉट लगाते हुए एक पत्ती का डिजाइन बनाएंगे। पत्ती का डिजाइन पूरा हो गया है। अब बची हुई डोरियों को कट करेंगे और लाइटर की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये कितना खूबसूरत डिजाइन बना है। इसी तरह से अब
दोनों पत्तियां भी बना लेंगे। देखिए बाकी दोनों पत्तियां भी पूरी बन गई हैं। अब जो बीच वाली पत्ती है उसकी हम बीच वाली चार कॉर्ड्स को काटेंगे नहीं, उसमें स्क्वायर नॉट और लूप्स नॉट लगाते हुए उसे थोड़ा लंबा बनाएंगे, जिससे हमारी झूले की झुलाने वाली जो डोरी होती है वो बन जाएगी। अब डिज़ाइन पूरा हो गया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा कॉर्ड्स को कट करेंगे और दोनों डोरियों में बेल्स लगाकर लाइटर की मदद से चिपका लेंगे। अब इसमें एक एक मीटर की दोनों रंगों की दो डोरियां अटैच करेंगे। डोरियां अटैच करने के बाद पहले की तरह ही डिजाइन बना लेंगे और अपने अनुसार लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दो 10 इंची के रिंग लेंगे और स्क्वायर नॉट की सहायता से उन्हें आपस में जोड़ेंगे। डोरी को कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए रिंग अटैच हो गया है। इसी तरह से अब स्क्वायर रिंग लेंगे और दोनों रिंगों को उसमें अटैच कर देंगे। अब दोनों रंगों की चार चार डोरियां आधा मीटर वाली लेंगे और लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए रिंग में जोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से सारी डोरियां अटैच कर लेंगे। डोरी जोड़ने के बाद चार चार डोरियों के जोड़े लेंगे और उनमें हिच नॉट लगाते हुए पत्ती का डिज़ाइन देंगे, जैसा कि हमने अभी पहले दिया था।
देखिए इस तरह से पत्ती बना लेंगे। तरह से सभी डोरियों में पत्ती का डिजाइन बना लेंगे। अब रिंग को डोरी से स्क्वायर नॉट लगाते हुए लपेटेंगे। रिंगों को इसी तरह से लपेट लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बन के आया है। अब हमने जो पहले एक टोकरी या चेयर बना ली थी उसको इस रिंग से जोड़ देंगे। बची हुई डोरियों को कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और बड़ा या छोटा रिंग लगाकर उसे डिजाइन को बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी का बहुत ही खूबसूरत झूला तैयार है। दोस्तों मैंने अपने कान्हा जी के लिए तो झूला बना लिया, अब आप भी जल्दी से बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजंता क्रिएशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।